तो शाम के बजे है 4:30 और अभी मैं जा रहा हूँ केरल के सबसे बढ़िया बीच पे, वर्कला। वर्कला बीच नाम नहीं पर वर्कला के अंदर है और बहुत ही फेमस है, कहीं कहीं दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए आज देख लेते और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलते चलते रास्ते में एक पेड़ आया। आज तक मैंने पिंक कलर के उसके जो फ्लावर्स आते हैं वही देखे थे, पर उसकी पत्तियाँ भी पिंक हो जाती है आज पहली बार देखा। ये देखो, और मैं मतलब ये फूल का कलर ऐसा है और पता नहीं यार कौन सा पेड़ है। ये पत्ती भी देख सकते हो आप, इसका लेयर जो ग्रीन लीफ होता है उसी की तरह है, बस नीचे थोड़ा ऐसे फूल। यहाँ से ही कोई नया फूल उगना चालू होता होगा। बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार, हर जगह कुछ ना कुछ नया दिखना या नया सीखना मिल जाता है। क्या आपको पता है केरला को गेटवे ऑफ रिलीजियन भी कहा जाता है? विदेशी व्यापारी जितने भी बिजनेस करने इंडिया में आए तो पहले केरला के अंदर ही आए, वो चाहे फ्रेंच हो, ज्यूस हो, या यहूदी, या फिर डच, स्पेनिश, जितने भी आए थे वो पहले केरला कोची के अंदर ही आए थे। और इसीलिए यहाँ पे कोची के अंदर आपको हर तरह की कॉलोनी मिल जाएगी, जैसे कि ज्यूस कॉलोनी भी है वहाँ, डच पैलेस भी था, ऐसे कई सारे पोर्टुगीज, तो मतलब उनका घर है कोची, आप समझ सकते हो ऐसे। तो कोची एक बेस्ट प्लेस था घूमने के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वर्कला बीच। जब से नाम सुना था तब से तमन्ना थी भाई कि एक बार तो इधर आऊँगा ही। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे थे और तब से दिल था इधर आने को। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। एक्चुअली ये बीच नहीं है, एक्चुअली क्लिफ है। यहाँ से आप ऐसे ही समुंदर को देख सकते हो दूर दूर तक, बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। आपको दिखाया ही मैंने, पर यहाँ से और अच्छा नज़ारा आ रहा है। बीच थोड़ा आगे, चलिए बीच की ओर मैं जा रहा हूँ अभी। तो बहुत सी खतरनाक सी सीढ़ियाँ में, वो जैसे हरिहर फोर्ट है उसी तरह, उतनी तो खतरनाक नहीं थी पर भाई उस जैसी कह सकते हो, उतनी खतरनाक सीढ़ियाँ उतरते फाइनली मैं आ चुका हूँ बीच पे।
बहुत बैठी है बीच पे, अभी निकलना पड़ेगा रूट है। बारिश शुरू हो गई है इधर, बहुत ज़ोर से बारिश आती है, 10-15 मिनट आती है पूरा भीग जाएंगे। और फिर रूम पे पहुँचते ही कल की तैयारी करना है, सब पैकिंग। और कल जा रहा हूँ मैं कन्याकुमारी के लिए। कल के वीडियो कल देखो, तब तक लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिए।